वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे एक आर्टिकल का पूछना था, अवेलेबल है? आर्टिकल नंबर बताऊंगा आपको, ये है GS7522। जी बिल्कुल, सैंडल है सर। क्या सर चाहिए आपको इसमें? मुझे 10 नंबर चाहिए। नहीं सर, सॉरी भाई, हमारी सैंडल हंट शुरू हो चुका है अभी, और विश मी गुड लक कि आज हम कामयाब हो जाए इसमें। भाई फैन स्पॉटेड यार, देख रहे हो DRP के फैन मिल रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब ऊपर से उतर उतर के आ रहे हैं फ्लैट में से, कह रहे हैं DRP आए हुए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? यार अभी जो है सुबह हो गई है, मतलब के असर की अजान हो चुकी है और अभी नमाज का टाइम है। तो खैर मेरी सुबह अभी नहीं हुई, मेरी सुबह जल्दी सुबह ही हो गई थी, लेकिन व्लॉग वगैरह एडिट कर रहे थे, काम बहुत था, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिला। अभी जा रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ने और उसके बाद फिर आते हैं वापस। नमाज़ पढ़ के अभी वापस घर आ गए हैं और अभी चप्पल की कोई सेटिंग बनानी है भाई सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे एक आर्टिकल का पूछना था, अवेलेबल है? आर्टिकल नंबर बताऊंगा आपको, ये है GS7522। सैंडल है सर ये? जी बिल्कुल, सैंडल है सर। क्या सर चाहिए आपको इसमें? मुझे 10 नंबर चाहिए। नहीं सर, सॉरी सर, ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे शॉप पर अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा, तो दूसरे आर्टिकल्स में अवेलेबल होगा साइज, अगर आकर विजिट कर लें? हो जाएगा, आ जाएं आप। ठीक है, चलें इंशाल्लाह, अफ्तार के बाद आता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 3 hours later। हाँ जी, वेलकम बैक, और अफ्तारी वगैरह हो चुकी है, 9 बज रहे हैं, नमाज भी पढ़ ली इशा की और अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। जब तक ये नीचे आ रही है थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो भाई अभी जाना है हमें मिशन चप्पल पे, और आज जो है ये काम हर हाल में करके वापस आना है, क्योंकि ये अब चैलेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आज हम इस काम को आज निपटा ही दें। पिछले 2 दिन से मैं कहता हूँ कि मुका देंगे, लेकिन हो के नहीं दे रहा है। तो अभी देखते हैं जाके कि चप्पल मिलती है नहीं मिलती, क्या सीन है। अम्मियाँ ना हमेशा सही बोलती हैं, वो मुझसे रमज़ान स्टार्ट होने से पहले से कह रही थी कि चप्पल पहले से ले लेना। मैं बहुत लाइट ले रहा था चीज़ों को, मैंने कहा क्यों मिनटों का, अब तो इतनी मार्केट्स हैं, इतनी शॉप्स हैं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, मतलब कुछ नहीं होता, नहीं ख़त्म होती भाई, मतलब अब हम 1990 में थोड़ी। नीचे आके वापस जा रही है, अभी वापस चली जाती है। तो मैंने यही कहा कि भाई अब इतनी सारी शॉप्स हैं और ख़त्म थोड़ी होती, ऐसा थोड़ी होता है कि चप्पल ख़त्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी, साइज़ नहीं मिलेगा। हम रिलैक्स, थैंक यू। और लास्ट मोमेंट के चक्कर में मैं लटक गया भाई। यार मैं 5 मिनट में 3 गाने सुन चुका हूँ इस जगह पे बैठा हुआ, समझ से बाहर है। ये जो है ना पीछे, ये जो पीछे वाला घर था, यहाँ पे चल रहे हैं गाने, और मैंने वैसे पर्सनली रमज़ान में गाने नहीं सुने, वैसे भी कम कर दिए हैं, गाड़ी वगैरह में कभी सुन रहे होते हैं, लेकिन अभी रमज़ान में तो गाड़ी में भी नहीं सुन रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा हाल, कैसे हो? यार देखो, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं अभी रमजान के एहतराम की बात कर रहा हूँ, मतलब वैसे तो जाहिर हम भी सुनते हैं गाने। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि रमजान में कम से कम आप गाने एहतराम कर लो ना, मतलब नहीं सुनो गाने यार। ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ओए ओए, हंटेड वांटेड पारी खत्म ही नहीं हो रही भूमि यार। ओए ओए ओए, फाइनल डेस्टिनेशन चल रही है ना यहाँ पे, मैं तो खत्म ही नहीं हो रही बाकी में। मैं निकल रहा हूँ अभी, भाग रहा हूँ बस, तुम्हें दे जाऊँ
फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा फिर, तुम्हें दे दूँगा तो, तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या करूँगा। ये है अभी ईद के इंतज़ार में तो इसके साथ नहीं, ईद भी इतनी हो रही कल भाई, कल रोज़ा रखेंगे, परसों ईद होगी पिशावर में। तुम पिशावर जाके ईद मनाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? मेरा भाई का ईद है और हमारा रोज़ा है। अच्छा चलो चले जाओ, तुम पिशावर जाओ ईद मनाओ वहाँ जाके, इधर क्या बैठा यार। चलो यार परसों मनाना, फिर तुम्हारे पास जो है ना चौथे दिन तुम ईद मना रहा होगा, वो काम पे जा रहा होगा, बराबर हो जाएगा। हाँ सीएनजी क्या रेट चल रहा है अभी? 210। कहाँ लेके जाएंगे यार ये सीएनजी? पेशावर में हो रही है कल, हमारी होगी परसों 3 तारीख। हाँ तैयारी हो गई तुम्हारी इसकी? हम लोग तो आज अभी इस इंतजार में से अभी इलानों का भी होगा। अच्छा फिर? फिर क्या बस, अभी मैंने तो इसको बोला भाई 3 तारीख को आए, इंतजार नहीं करो, 3 तारीख को मेरे लिए सही है, फिर मेरा तैयारी पूरा हो जाएगा। चलो सही है, आज मैं तैयार नहीं, कल मैं तैयार नहीं हूँ, सीधी बात है, कल भी मैं राजी नहीं हूँ। ओ भाई तो मैं रोक तो रोक, अरे 2000 की सी एन जी प्रेशर 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 भाई भाई, 2000 रुपये में सीएनजी का सिलेंडर फुल हो रहा है, मतलब बताओ जरा, मतलब 800-900 रुपये में फुल होता था किसी ज़माने में, मैं जब तक सीएनजी चला रहा था तो 1200-1300 रुपये में फुल हो रहा था। 2000 रुपये यार अहमियत रखता है भाई। भाई देख रहे हो, हमें लकी वन आना था, पहले से हमने पार्किंग रिजर्व करवा ली थी, हमने कहा था एक पार्किंग बिल्कुल लिफ्ट के सामने छोड़ देना, और इधर कोई पार्किंग ना लगाए, हम लोग आके सीधा पार्किंग में। यार देख रहे हो मेहदी भाई, मतलब ये कमाल है आपके भाई का, आपके लिए पार्किंग रिजर्व करवाई थी। सिम सिम क्या लेना है पर सर? अभी इन्हें लेना है हाइपर से कुछ सामान, भाई ईद की तैयारियां चल रही हैं पूरी पूरी मेरी भाई की है। जब मैं आऊँगा तो क्या खिलाओगे, ये वाले पापड़ रेड वाले या येलो वाले? जो उठा रहे खाने उठा। अच्छा जो मर्जी मैं उठा लूँ, मतलब चिलगोजे का है, चिलगोजे का है, मैं चिलगोजे उठाऊँगा, वो आप ईद पे ना एक प्लेट में रख के फिर मुझे सर्व कर देना, सही है? अमीरों वाले ड्रेसूम तो आ गए भाई, बाकी चेक करो कैसे, बाकी ट्राई कर सकते हैं। आज का ब्लॉग क्या मेरा ग्रोसरीज पे है, मतलब मैं पूरी शॉपिंग दिखा दूँ आपकी, ये सब्जियां लेते हुए, अदरक लहसुन लेते हुए। फाइनली सैंडल फाइनल हो गई है, थैंक यू यार। काफ़ी अच्छा था, 15 मिनट में
सैंडल मिल गई आज हमें, और 15 मिनट में जो है हम लोगों ने आज शॉपिंग अपनी ख़त्म कर दी है। मेरे भाई तो फिर मान तो नहीं मानते, देखो आज पार्किंग भी मिल गई, सैंडल भी मिल गई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? और सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तैयारी हो गई आपकी ईद? जी सर तैयारियाँ हो रही हैं ईद की इंशाल्लाह ताला। कल तो रोजा है, परसों? जी परसों, परसों सर। चले जजाकल्लाह, ख्याल रखें। 30 रोजे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छी बात है, जो बात है। बात सुने, शुक्रिया मेरा बेटा अल्लाह करो। कहाँ यार आप डेड एंड पे लेकर आ गए हो, मतलब गरीब लोग लकी वन आते नहीं हो कभी, आप डेड एंड में घुसा दी आपने, आगे रास्ता ही नहीं है। मुझसे पूछ लेते मैं बता देता कि पीछे की तरफ से जाना है। आगे लो, मैं दिखाता हूँ। नहीं मैंने कहा था शायद टर्निंग हो, लेकिन आपकी गलती है ना, आपको दूसरी तरफ पहले ही लेके जाना था, जाना मैं इस तरफ था, ये ले गए पीछे, मतलब वहाँ आगे ना डेड एंड आ गया। भाई हेलो, हाँ टाइम पे आया करो ना, ये क्या इतनी देर आपने 15 मिनट हमें नीचे खड़ा करवाया है। खुदा का मानो अभी 2 मिनट पहले कॉल आई है, पहले उससे पहले वाली कॉल का भाई फ्रेम तो दो भाई, हाथ तो मिला लो यार, फ्रेम बाद में अंदर आ जाएगा, पहले हाथ वाथ मिलाने। क्या चल रहा है ये गाड़ी में, चल रहा है क्या, चल रहा है? नहीं भाई कुछ गलत नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप इल्जाम नहीं लगाए। अच्छा इसलिए कह रहे हो, अबे फिर अबे क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है, बच्चे दब दब करके पीछे था, मेरे देख लो डिग्गी विग्गी निकाल के ना ले जाएं, बम्पर वम्पर ले जाएंगे इनका। ये थी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, सबसे पूछ रहे थे यार, इससे भी पूछ ही लो। ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं भाई, अगर कल ईद हो जाती फिर क्या करते? पहन लेते कुर्ते रखे यार, तुम्हारी शक्ल ही नहीं नजर आ रही, रुको मुझे फ्लैश तो ऑन करने दो जरा, तुम्हारी शक्ल तो दिखाए, अंधेरा दिख रहा है। हम भी कर लेते हैं मोबाइल, हाँ तुम भी करो। नहीं सही है, हमारी फ्लैश काम कर गई। हाँ अब बताओ शॉपिंग ईद की? नहीं यार लोगों ने पैसे नहीं दिए। किसने पैसे? क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए यार, सो सैड। ऐसा नहीं करो भाई, नाम ले लो क्लाइंट का, खुल के बोल दो, कोई मसला नहीं है, क्या पता उन तक पहुँच जाए कहीं ना कहीं। अरे ले लो, कुछ नहीं होता, आप क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यह दानिश रहमान है, जब दिख रहा है दानिश रहमान है डी आर पी स्टूडियो से, उनके साथ मैंने इवेंट करे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। काटना नहीं है अभी बता रहा हूँ। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं काटूंगा, मैं सब डाल लूंगा एज इट इज। काट दो क्या मुझे पता है। कट 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 कुछ है फार्म हाउस आपकी नज़र में? गंदे इंसान, मतलब रमजान खत्म होते ही तुम कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो, ये इसमें लाइट नहीं मारी रुको तुम्हें रखो है। दिखा देते हैं तुम्हारी शक्ल यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ सारा कॉन्टेंट मेरे से ही ले लो। देखो जब मिलियन व्यूज जाएंगे ना जिस दिन इस वीडियो पे, तो लोग तुम्हें भी पहचानेंगे कि ये मुर्तजा भी कोई था जिससे बात हुई थी। अबे मर थोड़ी रहा हूं, मुर्तजा भी कोई था, कोई है। हम भी देखेंगे आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपकी जबान। चांद नजर आया भाई। चुप हो जाए, ऐलान हो रहा है कुछ। क्या हाल है भाई? हां ये व्लॉग बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बैठा है भैया? कैसे हैं आप? मुंह पे मैं ठीक, दानिश भाई लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही पहचान है आपने। इफ्तार वाला व्लॉग आपने देखा? इफ्तार वाला व्लॉग कैसा लगा आपको? बिना सब्सक्राइब के देखा है मगर यार, सॉरी गलती से दब गया ना, कहीं बीप वाली आवाज नहीं आती वो था। खुशी का मौका भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग सारे, सही है? एक मिनट रुको ना यार, अपनी शक्ल तो दिखाओ आप, टॉर्च वॉर्च जलाओ, मोमो टॉर्च जला दो भाई के ऊपर। हाँ भाई ये मैं हूँ, बंद हो गया भाई का। आप जो चैनल है सब्सक्राइब करें,
DRP नाम है। अच्छा पहले आप तो कर लें, आप बगैर सब्सक्राइब के सारे व्लॉग्स देख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। आप कमेंट भी नहीं करते, कोई कमेंट वॉमेंट करें, लाइक करें, पता तो चले कि आपने देखा। नहीं नहीं, मैंने अपने पुराने वाले उससे करा हुआ है सब्सक्राइब ना, अभी ये दूसरा वाला है ना पेज। चलिए आप कमेंट किया करें ताकि हमें पता रहे कि आपने देख लिया है। मैं आपको स्क्रीन पे टैप करना जरा, ये आपको 5 6 स्क्रीन पे टैप करो आगे से। आप 15-20 से कर दें, मुझे खुशी होगी भाई। फैन स्पॉटेड यार, देख रहे हो DRP के फैन मिल रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब ऊपर से उतर उतर के आ रहे हैं फ्लैट में से, कह रहे DRP आए हुए। फैन मोमेंट चल रहा है, मेहदी भाई भी साथ में मजे ले रहे हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप ऊपर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सो फाइनली बैक होम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सैंडल मिल चुकी है, और डिज़ाइन भी मिल गया, साइज़ भी मिल गया, तो ये काम तो पूरा हो गया। बाकी आज की वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा अगले ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।